देश के हर हिस्से से कोरोना वायरस को लेकर जो खबरें सामने आ रही हैं उसने तबाही का मंजर मचा दिया है। लगातार हर तरफ से कोरोना संक्रमण के दौर में ऑक्सीजन और बेड की किल्लतें सामने आने की खबरें मानो आम हो गई हैं। इस सभी को देखते हुए आम जन की समस्याएं लगातार और हर रोज बढ़ती ही जा रही हैं। इन समस्याओं से इधर देश प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर ने मानो आम जन के साथ साथ सियासी नेताओं को भी अपनी में ले लिया है। बीते साल जहां देश भर में कांग्रेस के 44 से ज्यादा नेता कोरोना की चपेट में आए थे, तो वहीं दूसरी लहर में भी कांग्रेस के नेता इसकी चपेट में आ रहे हैं। बीते 1 अप्रैल से लेकर 22 अप्रैल तक कांग्रेस के 2 दर्जन से ज्यादा नेता अब तक कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। इनमें से 8 केवल राजस्थान कांग्रेस के विधायक हैं। कोरोना की दूसरी लहर में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। इसके अलावा राजस्थान के सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार रहे रतनलाल जाट और बीजेपी के भीलवाड़ा से सांसद सुभाष बहादेड़िया भी कोरोना संक्रमण की चपेट में आ गए हैं। वहीं राजस्थान में बीते 1 अप्रैल से लेकर 22 अप्रैल तक राजस्थान कांग्रेस के 10 नेता अब तक कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। इसमें से 1 पूर्व मंत्री, 8 विधायक और 1 कांग्रेस सरकार में आयोग के चेयरमैन हैं। राजस्थान कांग्रेस के जो विधायक कोरोना की चपेट में आए हैं उसमें राज्य मंत्री सुभाष गर्ग, विधायक अमीन काजकी, कृष्ण पूनिया, देवेंद्र सिंह शेखावत, पीआर मीणा, रामनिवास गावड़िया, पान चांद मेघवाल और नरेंद्र बुढ़ानिया हैं। इसके अलावा कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री गोपाल बाहेती और बाल आयोग की चेयरमैन संगीता बेनीवाल भी कोरोना लिस्ट में कोरोना की शामिल हो गई है। वहीं कोरोना की दूसरी लहर में भी कोरोना की चपेट में आए कांग्रेस विधायक अमीन कागजी दूसरी बार कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इससे पहले साल ही विधायक कागजी कोरोना पॉजिटिव आए थे। कांग्रेस के 1 केंद्रीय नेता कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के टॉप लीडर्स में भी 1 दर्जन नेता कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इन नेताओं में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला समेत अधीर रंजन चौधरी और शशि थरूर भी कोरोना वायरस के संक्रमण से अब तक अपने आप को बचा चुके हैं और ये जानकारी साझा कर चुके हैं कि वो कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। ब्यूरो रिपोर्ट SPNI न्यूज़।